जय श्री राम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष की जानकारी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का विषय है मंगल षष्ठ भाव में। जन्म कुंडली में जिनका मंगल षष्ठ भाव में हो, छठे स्थान में हो, शत्रु स्थान में हो, उनके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। किंतु एक बात का ध्यान दें, कभी कभी जन्म पत्री में कैलकुलेशन के अनुसार ग्रह षष्ठ भाव की जगह पंचम या सप्तम भाव का भी फल दे सकता है, जिसका पता हमें कुंडली देखकर चलता है। इसलिए अगर षष्ठ भाव में बताया गया फल घटित नहीं हो रहा तो पंचम भाव के मंगल का भी फल देखें या सप्तम भाव के मंगल का भी फल देख लेना चाहिए। तो कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से सलाह करके ही कोई उपाय करें, अथवा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो बात करते हैं मंगल के षष्ठ भाव में कैसे फल होते हैं। तो यहाँ मंगल राशि फल का होता है। इसके अशुभ प्रभाव को उपाय के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मंगल षष्ठ भाव में होने पर जातक के शत्रु बहुत होते हैं, किंतु सभी शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ता है। कोई भी शत्रु जातक के सामने टिक नहीं सकता, जातक का सामना कर नहीं पाता। मातृपक्ष को षष्ठ मंगल कष्ट कारक होता है, अर्थात जातक के ननिहाल पक्ष को कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे मामा आदि को कष्टों से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का मंगल षष्ठ वाले जातक का जीवन में धन एक बार नष्ट जरूर होता है, धन की हानि एक बार जरूर होती है, किंतु फिर से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में, द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो मंगल को जागता हुआ माना जाएगा, मंगल को प्रभावशील माना जाएगा। टेवे में कुंडली में केतु मंदा हो तो 34 वर्ष की आयु तक संतान सुख में कमी आती है, अर्थात 34 साल की उम्र के बाद जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंगल दो प्रकार का होता है, एक मंगल बद जो बहुत सी मुसीबतों का कारण होता है, एक मंगल नेक जो जातक को बहुत शुभ फल प्रदान करता है। यदि कुंडली में मंगल नेक हो तो जातक पूर्ण रूप से सुखी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। तृतीय भाव षष्ठ भाव बुध के संबंध से होने के कारण, षष्ठ भाव का संबंध बुध से होने के कारण बुध के कारोबार तरक्की देंगे। हुनरमंदी का कार्य, संगीत का कार्य और विद्या में रुचि रखने वाला जातक होगा। कलम का धनी होगा, जो हाथ से लिखेगा वो उत्तम ही लिखेगा, अर्थात कोई ऐसी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है जिसमें कलम से लिखने का कार्य विशेष होता हो। बारहवें भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने के कारण राहु मंदा नहीं होगा,
किंतु केतु का मंदा प्रभाव जातक को जरूर मिलेगा, जिससे हम संतान का विचार करते हैं। मंगल यदि जागता हो तो ऐसी स्थिति में जातक जितना स्वयं तरक्की करेगा, उतनी ही तरक्की जातक के भाई भी करेंगे और जातक के मित्र भी उतनी ही तरक्की करेंगे। अष्टम भाव, द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और बारहवें भाव में यदि कोई मंदा ग्रह हो तो वो मंगल को भी मंदा कर देंगे, मंगल को भी बद कर देंगे। चतुर्थ भाव का जो ग्रह होगा कुंडली में, वो मंगल के स्वभाव को बदल देगा, मंगल के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव शनि के संबंध से होने के कारण बुध पूजन व चंद्र पूजन से जातक का शत्रुओं से बचाव होगा। अर्थात बुध का पूजन मतलब दुर्गा पूजन करना, कन्याओं का पूजन करना, और चंद्र पूजन माता का आशीर्वाद लेना और चंद्रमा के मंत्र जाप करवा के मंत्रों का हवन करना, तो इससे जातक को शत्रुओं से बचाव होगा यदि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हों। शुक्र उत्तम हो या सप्तम भाव में शुक्र उत्तम हो या सप्तम भाव में शनि बुध केतु हो, तो ऐसी स्थिति में जातक दीर्घायु प्राप्त करेगा और पोते पड़पोते देखने का भी उसे सुख प्राप्त होगा। तो षष्ठ भाव का मंगल शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है, जिसका विचार हम कुंडली को देखकर करते हैं। यदि कुंडली में केतु अष्टम भाव में शनि पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक का संतान सुख मंदा होगा, परंतु चंद्र व गुरु यदि कुंडली में उत्तम हो गए तो 24 वर्षों तक जातक को संतान सुख प्राप्ति होती रहेगी। कुछ विशेष बातों का ध्यान भी मंगल षष्ठ वालों को रखना चाहिए, जैसे पुत्र जन्म की खुशी नहीं मनानी चाहिए, अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, ढोल आदि बजाकर नाच गाना करके अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, इससे जातक को दुखों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ मंगल के कारण केतु जो है वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मंद मंगल में जब जातक की कुंडली में मंगल बद हो या मंदा हो तो ऐसी स्थिति में भाई ज़्यादा अमीर होता है और अचानक उसके भाई को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये षष्ठ मंगल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो इसके बचाव के लिए जातक के बड़े भाई को चाहिए कि वो अपने छोटे भाई को, जिसका मंगल षष्ठ भाव में है, उसे अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ देता रहे, उपहार देता रहे। यदि भाई जातक अपने बड़े भाई से कोई उपहार न भी ले तो भी बड़े भाई को चाहिए कि उसके भाग का हिस्सा निकाल कर भले ही जल प्रवाह कर दे तो वो नुकसान से बच जाएगा। तो इस प्रकार षष्ठ मंगल में देखा गया है कि बड़े भाई को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। मंगल मंदा हो तो केतु संतान और मामा ननिहाल पक्ष और शुक्र पत्नी, बुध बहन बुआ
बेटी और चंद्र माता दूध देने वाले पशु, इनके ऊपर भी मंदा प्रभाव पड़ेगा। केतु मंदा हो, केतु नष्ट हो जाता है और कुंडली में भी मंदे भाव में बैठा हो तो पहली संतान की मृत्यु की संभावना रहती है, अगली संतान 34 वर्ष तक कायम रहती है। मंगल षष्ठ में अक्सर संतान को 18 का रोग होता हुआ देखा गया है, जिसमें संतान को 8वें दिन, 8वें महीने, 8वें वर्ष में रोग से परेशानी होती है, रोग से दिक्कत होती है, कोई कष्ट होता है। इसलिए जातक को चाहिए कि अपनी संतान का जन्मदिन न मनाए, और यदि मनाना भी पड़े तो मिठाई की जगह नमकीन बांटें तो मंगल के अनिष्ट प्रभाव से बचाव होगा। जातक स्वयं सोना धारण न करें और न ही जातक की संतान को सोना धारण करना चाहिए, ये दोनों के लिए अशुभ होगा। जब तक सोना धारण नहीं करेगा तब तक सोना कमाएगा, और जैसे ही सोना धारण किया तो कर्जा सिर के ऊपर चढ़ जाएगा। बुध 12वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में जातक के बहन भाई उसके दुखों का कारण बनेंगे। बुध अष्टम भाव में हो, सूर्य चंद्र का सहयोग यदि मंगल को न मिलता हो तो ऐसी स्थिति में जातक की माता छोटी आयु में ही गुजर जाएगी। बुध कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु पहले होती है और माता की मृत्यु बाद में होती है। कुंडली में मंगल के प्रभाव से यदि जातक का गृहस्थ सुख मंदा हो तो ऐसी स्थिति में शनि का उपाय करना चाहिए, और यदि जातक को भाई मदद नहीं करते, भाई बिल्कुल भी सहायता नहीं करते तो ऐसी स्थिति में जातक को बुध का उपाय करना चाहिए और कन्या पूजन अष्टमी के दिन करना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए ऐसे जातकों को बुध का उपाय करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही तो शतचंडी का अनुष्ठान जातक को करना चाहिए। तो इस प्रकार उपाय करने से जातक को संतान सुख की प्राप्ति होगी। अक्सर देखा गया है मंगल षष्ठ वाले जातकों की संतान बराबर होती है, जितने पुत्र उतनी ही पुत्रियां होती हैं। ध्यानी का आशीर्वाद, ध्यानों का आशीर्वाद लेते रहना जातक के लिए सहायक होता है, उसकी उन्नति का कारक होता है। मंगल शुभ भाव में हो, शुभ स्थिति में मंगल नेक होकर जब कुंडली के षष्ठ भाव में हो, ऐसी स्थिति में जातक चुनाव में विजय प्राप्त करता है, चुनाव में जीत प्राप्त करता है। मंगल के अशुभ प्रभाव में होने पर प्रथम संतान जातक की शायद ही जीवित रहती है। यदि जातक की संतान सोना पहने तो जातक का व्यापार ठप हो जाता है, जैसे पहले ही बताया गया है। अक्सर ऐसे जातकों के मामा कष्ट में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, दुखी होते हैं और आर्थिक नुकसान को झेलते हैं। मंगल षष्ठ वाले जातक को कुछ रोग भी हो सकते हैं, जैसे रक्त दोष, खून की खराबी होना, मधुमेह, शुगर की समस्या होना,
ब्लड प्रेशर बढ़ना और बवासीर आदि रोग जातक को हो सकते हैं। ऐसे जातकों के स्वभाव में क्रोध भी बहुत देखा गया है। अक्सर चोट लगने पर खून अधिक बहने से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। षष्ठ मंगल वाले जातक अधिक कामुक भी हुआ करते हैं। चावल चांदी सोमवार के दिन ब्राह्मणों को दान करना शुभ रहेगा, जातक के कष्ट दूर होंगे। गौ माता को लगातार 5 दिन काले नमक की डली खिलाना भी इनके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करना, हनुमान जी का प्रसाद बांटना और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना भी इनके लिए शुभ रहेगा। और ऐसे जातकों के जहाँ मंगलवार के दिन जन्मे लड़के और शुक्रवार के दिन जन्मी कन्या की आयु का कोई भरोसा नहीं होगा। तो ये है मंगल के षष्ठ भाव का फल। इनमें बताए गए उपायों के द्वारा मंगल को शुभ किया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।